आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन दी हुई है एक्स क्यू प्लस फोर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसके इंटरवल दिया हुआ है x बिलोंग्स टू माइनस टू से वन। इस इंटरवल में कितने सॉल्यूशंस होंगे, यानी जो इक्वेशन जीरो होगी x की कितनी वैल्यूज के लिए होगी माइनस टू से वन के बीच में, ये अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स क्यू प्लस फोर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, मेरे पास इंटरवल है माइनस टू से वन का। ठीक है, तो एक तो तरीका है यहाँ पे इसका इंटरवल निकालने के लिए, यहाँ पे अटेंड ट्रायल लगाएं। और अटेंड ट्रायल से तो हम पता नहीं कर पाएंगे कि एक्स की किस वैल्यू के लिए हो सकती है, डेसिमल के लिए भी हो सकती है। ठीक है, बट दूसरा तरीका यह है इसका ग्राफिकल मेथड। अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाएं तो उससे हम पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही तो चाहिए, वैल्यू ही नहीं चाहिए एग्जैक्ट कितनी है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए। तो यहाँ पे एक इजी वे होता है कि ग्राफ बना लो और कितनी बार जितनी बार कट करेगा उतने उसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाना है अपने को। ग्राफ यहाँ पे है, सबसे पहले मैं कैसे बनाऊँगा, अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन को यहाँ पे डिफरेंशिएट करता हूँ, तो डिफरेंशिएट अगर करता हूँ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसको मैंने एफ एक्स माना हुआ था, लेट ये आया एक्स क्यू प्लस फोर एक्स माइनस वन था। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा एफ डेस एक्स, तब मेरे पास आएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ये देखिए डिफरेंशिएट करने के बाद ये जो वैल्यू है ये ऑलवेज, ये फोर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, जो एफ डेस एक्स है वो ऑलवेज मेरा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब इसकी जो स्लोप है, जो कर्व है मेरा, हमेशा इंक्रीजिंग बनेगा। ठीक है, कर्व हमेशा इंक्रीजिंग बनेगा, इसका मतलब एफ डेस एक्स का कोई रूट नहीं आ रहा, तो एफ एक्स का मैक्सिमम कितने रूट आएंगे। ठीक है, एफ यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ डेस एक्स हैज नो रूट्स। ठीक है, हैंस एफ एक्स हैव मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम वन रूट। ठीक है, क्योंकि इसके जब कोई भी रूट नहीं है, इसके मैक्सिमम कितने हो सकते थे, दो हो सकते थे, इसके दो होते तो एफ एक्स के मेरे तीन होते। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ है कि जो एफ एक्स एफ डेस एक्स का कोई भी रूट नहीं है, इसका मतलब एफ एक्स के सिर्फ एक ज़्यादा होगा उससे। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो इसका अगर कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग बनेगा, क्योंकि एफ डेस एक्स ऑलवेज इंक्रीजिंग है। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे देखूँ तो वैल्यू आ रही है एक्स इक्वल टू जीरो पे माइनस वन, एक्स की वैल्यू जीरो पे ये कर्व है माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस टू से वन के बीच में बाहर जा रहा है, तो माइनस टू पे वैल्यू देखनी पड़ेगी कितनी है। एक्स की वैल्यू जैसे ही माइनस टू डाली तो एफ ऑफ माइनस टू कितना आया, माइनस टू का क्यूब एक्स क्यूब प्लस फोर है, फोर ऑफ माइनस टू माइनस वन, तो माइनस एट माइनस एट माइनस वन, दैट इज माइनस सेवनटीन। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो है माइनस सेवनटीन आएगी वैल्यू माइनस टू पे। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक्स की, जब एक्स इक्वल टू वन पे, एट एक्स इक्वल टू वन, तो एफ ऑफ वन मेरा कितना आएगा, वन का क्यू प्लस फोर इंटू वन माइनस वन, दैट मीन्स फोर। तो वन पे वैल्यू ये वन होगा, कहीं यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है फोर। ठीक है, प्लस का, तो यहाँ पे देखिए जीरो पे वैल्यू, तो ये इसका मतलब ये कर्व बन रहा होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग बन रहा है, तो ये कुछ ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, यहाँ से कुछ इस तरीके से, इसका मतलब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो माइनस टू से और वन के बीच में ये कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, सिर्फ एक बार, तो उसका कितना सॉल्यूशन है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के कितने हो गए, वन, ओनली वन सॉल्यूशन अवेलेबल है, वो भी ये वाला। ठीक है, तो हेंस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे थे वो हो गए मेरा वन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।